Okay, sir. So, City of Dream and Big Boss 14 have completely changed you as an actor. So, क्या कहना चाहोगे जो जो लास्ट ईयर से जो चेंज आ रहा है आपके करियर में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? यार बिल्कुल सही आपने कहा, सिटी ऑफ ड्रीम्स और बिग बॉस ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। सबसे पहले तो सिटी ऑफ ड्रीम्स मेरा पहला वेब शो था, उसके लिए मुझे अपने एक्टिंग का ग्रामर बदलना पड़ा, मेरी एक्टिंग की समझ बदलनी पड़ी। मैं अवार्ड विनिंग एक्टर्स के साथ ही नहीं, एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था। तो मुझे जो भी मैंने 20 सालों में सीखा है उसे डिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ा और फिर से सीखना पड़ा। बहुत मजा आया एंड आई कांट वेट फॉर सीजन 3। ओके सर, सो टॉकिंग अबाउट बिग बॉस के बारे में बोल रहा हूँ, तो बिग बॉस ने कैसे मेरी जिंदगी बदली? पहली बात तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो सबसे बड़ा शो है, हाईएस्ट टीआरपी है, बहुत लोग देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे उतना प्यार भी मिलता है, इतनी पॉपुलैरिटी भी मिलती है। तो पॉपुलैरिटी तो हैज गॉन 500 फोल्ड आई थिंक। लेकिन एज एन एक्टर मुझे बदला है? बिल्कुल नहीं बदला है। पॉपुलैरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी है और एक फ्रीडम दिया है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स को चूज कर सकूँ, कुछ ज़्यादा वक्त ले सकूँ और जो मुझे पसंद आया मैं उसे करूँ। तो बस आई एम वेरी वेरी थैंकफुल और मेरे बिग बॉस की जर्नी तो आई वुडंट हैव इट एनी अदर वे। ये दोनों चीज़ जुड़े हुए हैं क्योंकि मैंने बिग बॉस छोड़ा भी था क्योंकि मुझे सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 2 की शूट कंप्लीट करनी थी। तो इट्स अ बिटर स्वीट पिल टू स्वॉलो, बट थैंक यू फॉर इट। ओके सर, तो बिग बॉस 14 की जर्नी की मैं बात करूँ तो आपने बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत सारे दुश्मन बनाए और पूरी जर्नी अप्स एंड डाउन रही है, तो इसको अगर आपकी लाइफ में डिफाइन करना हो तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे सर? सीख थी बहुत बड़ी बिग बॉस में। यार मैं आपको एक सवाल का एक जवाब नहीं दे सकता। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको समझ में आता है कि आप किस मिट्टी के बने हो। आपको ज़बरदस्ती लोगों को परखना पड़ता है, लोगों को जज करना पड़ता है, समझना पड़ता है और वैसे गेम खेलना पड़ता है। मुझे गेम तो कभी समझ में आया नहीं, ना कि मैंने खेला। मेरा बहुत सिंपल था, जो मुझे फील हुआ मैंने बोला और जिनके साथ अपनी बनी तो बनी, जिनके साथ नहीं बनी तो कोई बात नहीं। वहाँ रोज़ थोड़े रिलेशनशिप बदलते रहते हैं, वहाँ रोज़ रिश्ते जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं। आप सिर्फ एक घंटा देखते हो, हम 24 घंटा जीते हैं और आपको पूरी स्टोरी कभी बताने लगती। तो कभी कभी आपको लगता है फेक है, कभी कभी आपको लगता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन अपने अपने रीजंस होते हैं। ट्रॉफी नहीं जीता लेकिन एक अलग ट्रॉफी मुझे मिली है वहाँ से और उसके लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ।